अलीगढ़ में पिछले एक महीने से लापता बेटी का नहीं मिल पा रहा है कोई सुराग। क्षेत्र में है अशांति का माहौल। अशांति के माहौल को बढ़ते देख राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आचार्य भरत तिवारी व राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के उत्तर प्रदेश सचिव आशु पंडित ने इंस्पेक्टर लोधाराम और वकील से अपील करते हुए कहा कि वे उच्च अधिकारियों से बात करें। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेटी को गायब हुए एक महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ये खबर सुनकर राजनीतिक पार्टियों के लोग भी लगातार पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। कुछ लोग क्षेत्र में अशांति फैलाकर यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर पुनः हाथरस कांड जैसे कांड को हवा मिल सके। राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद हमेशा से ही सच की आवाज को बुलंद करता रहा है, चाहे वो हाथरस कांड हो या करौली कांड। आशु पंडित ने कहा कि राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद प्रशासन व सरकार से मांग करता है कि पीड़ित पक्ष व आरोपित पक्ष दोनों का ही नार्को टेस्ट करवाया जाए व SIT से जांच करवाई जाए, जिससे कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके और सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाए। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद प्रदेश मीडिया प्रभारी पवन शर्मा, जिला उपाध्यक्ष निशांत पंडित गडराना, राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद जिला उपाध्यक्ष विवेक सारस्वत, उपाध्यक्ष मोहित पंडित, उपाध्यक्ष सौरभ पंडित आदि लोग मौजूद रहे। पर उस दिन तो जैसे भी मानी वैसे मानी मानी, उसके बाद में तो अब यही इनके ये मन में ये आ रही है कि हमको कुछ नहीं होगा। नार्को टेस्ट करा दो, क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।